है, फिर उसके चीलों का पोर्ट्रियल करता है, उसके लिए वो सिमिलीज यूज करता है। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा कि जब मैं आपको लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया लाइन नंबर 460 थी आई थिंक या 440 थी, जहां पे मैंने एंड किया था, वहां पे सैटर्न की स्पीचेस चल रही थी, जो अपने चीलों को जो है मोटिवेट करने के लिए, अपने रिबल एंजल्स को जो है वो मोटिवेट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है, वो सारी स्पीचेस हुई थी। अब क्या है, उसकी स्पीचेस ने अब आज से जो 522 लाइन है वहां से हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपका एक गो बन जाए, और आई होप कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा। सो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हुआ क्या, अब आगे लाइंस जो आ रही है ना बेटा, इसके ऊपर लिख लें कि यहाँ पे जो है ना सैटर्न, वैसे आपकी एनकेएम की बुक के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी लिख लें कि उसकी यहाँ पे फायरी स्पीचेस की वजह से वो जो है वो मोटिवेट करता है अपने सपोर्टर्स को, और फिर ऑर्डर करता है अपने फरिश्तों, वो जो रिबल एंजल्स होते हैं उनको, कि वो दोबारा से खड़े हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है इतनी धड़ल्ले से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो लाइन नंबर 522 से 533 हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्योंकि एक एजेजल आता है, एक एंजल जो कि उसके राइट साइड पे था, और वो जो है एक रॉयल फ्लैग उठाता। अब आगे लाइन नंबर 534 से लेके और लाइन नंबर 540 तक हम सिर्फ उस फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं कि वो फ्लैग कैसा था, वो कुरियल ऑफ फ्लैग स्टार्ट हो जाता। उसके बाद जो है एक म्यूजिक की बात होती है जो कि डोरियन मूड में, वो ये सब म्यूजिक जो है रेबल एंजल्स जो है वो एक म्यूजिक, यानी कि उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो एक आर्मी बनती है, एक म्यूजिक चलता है, और वो म्यूजिक बड़ा वलवला अंगेज होता है, क्योंकि हमने एक बैटल, हमने पढ़ा एपिक के अंदर एक बैटल सीन होता है, अंडरवर्ल्ड बैटल होती है, तो हम ये अंडरवर्ल्ड में ही एक बैटल पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से वो जो म्यूजिक है, वो जो डोरियन म्यूजिक है, वो किस तरह से उन सारे जो है रिबल एंजल है उनको, उनके उनको मतलब उनके अंदर बलबला पैदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा लाइन नंबर 570 तक हम उसी डोरियन म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सैटर्न जो है, फिर उसकी हम पढ़ेंगे कि उसकी वो किस तरीके से लुक आफ्टर कर रहा है, वो कैसे देख रहा है। तो ये सारी लाइन नंबर 570 तक, 522 से 570 तक थ्री टॉपिक्स आपके सिर्फ कवर हो रहे हैं। क्या कि पहले तो वो रिफ्रेश हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, उसके बाद जो है जो एक फ्लैग की बात होती है जो कि एक एजेजल जो एंजल है वो करता है, उसके बाद एक म्यूजिक की बात होती है जो कि डोरियन म्यूजिक होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर बलबला, जैसे जंगों के अंदर ड्रम बीटिंग होती है ना, तो यहाँ पे भी हम उस म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा 570 तक आप देखें, लाइन नंबर 522 से 570 50 लाइंस बनती है, और 50 लाइंस के अंदर सिर्फ ये दो तीन टॉपिक्स हैं। और एपिक के अंदर हमने लाइक जब हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ रहे थे, हमने स्टील के बारे में पढ़ा था, सीजर और स्टील का, और वो स्टील के ऊपर कितनी सारी लाइंस थी, तकरीबन 10 से 20 लाइंस तो सिर्फ स्टील के ऊपर लिखी हुई थी। सेम इज द केस हियर। अब यहाँ पे मतलब लाइक अगर सपोर्टर्स की बात हो रही है और उनकी मोटिवेशन की बात हो रही है, तो लेट्स सी कि अब वो किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ लूँ और उसके बाद फिर मैं पीछे से आप सबसे सुनती हूँ, ठीक है, आप ही सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स जो है ना वो मैं डाउन नहीं हुई, स्टूडेंट्स डाउन हो गए। ऑल दीज एंड मोर केम फ्लॉकिंग बट विद लुक्स डाउन कॉस्ट एंड डेप्थ। अब क्या हुआ कि ये तमाम जो स्पिरिट्स थे वो जो है जो फॉलन एंजल्स थे, ये उसके फौरन से शैतान की कॉल पे, उसकी समनिंग पे जो है वो पहुंच गए, यानी कि इकट्ठे हो गए। बट विद लुक्स डाउन कॉस्ट एंड डैम बट दे आर डिटेक्टेड एंड डैम येट सच वेयर इन अपीयर्ड ऑब्स्क्योर सम ग्लिम्स ऑफ जॉय। लेकिन ऑल्दो के वो डाउन कॉस्ट थे और डैम थे, ऑल्दो वो जो है डिटेक्टेड और डिप्रेसिंग लुक्स में थे, लेकिन येट such were in appeared obscure some glimpse of joy, lekin yet their looks depicted some meek pleasure, phir bhi unke faces pe kuch meek pleasure tha, glimpse of joy tha, to have found their shayad not in despair, kyunki unhone apne chief ko, chief likhiyega beta, chief ko yani ki unhone apne satan ko, apne chief ko, apne leader ko jo hai kis mein nahi dekha, rejection में नहीं देखा। उन्होंने जब देखा कि उनका अपना चीफ जो है वो rejection और depression से निकल चुका है, तो उनके चेहरे पे भी एक glimpse of joy आ गई, ठीक है। To have found themselves not lost in
lost itself. Although कि वो सब कुछ lost कर कर चुके थे, लेकिन उस lost position में भी उनको कुछ ना कुछ happiness मिल गई, एक ray of hope मिल गई, और उनको अंदाजा हुआ कि अब जो है इस grief और tragedy में भी there is some hope, ठीक है? यानी कि to have found themselves not lost in loss itself. इस defeat में भी वो defeated नहीं रहे, यानी कि उनको realize हुआ नहीं अभी भी कुछ बाकी है. Which burn on his continuous cast like doubtful view, और जो है Saturn which on his continuous cast is like doubtful view, जो कि अपनी पहले जो है overwhelmed से अपने sorry मैंने यहाँ पे Saturn था on his continuous cast, यानी कि जो कि पहले अपनी tragedy पे या शिकस्ता हाली पे या अपने नसीब पे वो doubtful view में थे, बहुत ज्यादा tragedy of defeat में थे या grief and tragedy of defeat में थे, यानी कि now they realize that they are not overwhelmed by grief and tragedy of defeat. ठीक है, अब पीछे से मैं दोबारा से वो कर देती हूँ आपको. अब ये लाइन जो है ना डाउटफुल व्यू तक, ये पीछे लाइन से ही आ रही है कि all these more came flocking but with look down cast and damp. ठीक है, उसके इर्द गिर्द तो आए लेकिन डाउन कास्ट और डैम्प हालत में थे. Yet said there and appeared obscure some glimpse of joy, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ glimpse of joy आया जब उन्होंने ये देखा कि उनके चीफ के ऊपर जो उनका चीफ है जो सैटर्न है वो अब डिस्पेयर में नहीं है. जब उन्होंने अपने आप को टू हैव फाउंड देमसेल्फ नॉट लॉस्ट इन लॉस इटसेल्फ, जब उन्होंने ये देखा कि इस डिफीट में भी वो डिफीटेड नहीं है. विच ऑन हिज कॉन्टिनेंस कॉस्ट, जो कि यही वो डिफीट थी जो उनको कुछ डाउट्स के अंदर मुब्तला कर रही थी, यही वो डिफीट थी जो कि उनको उनको उनकी ओवरवेल्म थी बाय ग्रीफ एंड ट्रेजेडी ऑफ डिफीट. नाउ दिस डिफीट इज नो मोर फॉर देम, देयर इज अ रे ऑफ होप व्हेन दे हैव सीन, या दे सीम मोटिवेटेड व्हेन दे हैव सीन देयर चीफ एंड या आउट ऑफ डिप्रेशन, देयर चीफ आउट ऑफ डिप्रेशन, और इस वजह से देयर लुक्स डिपिक्टेड सम मीक प्लेजर. व्हेन दे हैव सीन दैट देयर leader is out of depression, their leader is motivated, their leader is stable, so wo bhi phir jo kya hua ki they seem matlab unke chehre pe bhi ek glimpse of joy nazar aaya, unke chehre pe bhi ek khushi jo hai wo nazar aayi, a ray of hope jo hai wo nazar aayi. But he and his wanted pride soon recollected with high words and poor semblance of word, lekin but he kaun Saturn, he wanted pride soon recollecting with high words, lekin jo hai Saturn jo hai wo truly faced fused merges feeling of delight and despair. Uska jo wanted pride tha na wo high words aur more semblance of word, yani ke uske jab usne usko address kiya jab apne followers ko, to wo usi typical pride high words that borrow semblance of word, yani ke वो वांटेड प्राइड के साथ बोला और टिपिकल प्राइड के साथ और एरोगेंस के साथ बोला. दैट वर्ड सिंबलेंस ऑफ वर्ड, यानी कि जो कि सिंबलेंस ऑफ वर्ड, यानी कि उसके वर्ड्स जो थे उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड और एरोगेंस था. नॉट सब्सटेंस जेंटली रेज, जो कि अभी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गम तो था डिफीट का, बट ही जेंटली रेज देयर फेंटिंग करे, लेकिन वो क्यों उठा, ताकि वो अपने जो रिबल एंजल्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर फेंटिंग करेज जो है उसको फेस कर सके एंड डिस्पेल देयर फियर्स, और उनके फियर्स को खत्म कर सके. देन स्ट्रेट कमांड्स दैट एट द वॉरलाइक साउंड ऑफ ट्रम्पेट लाउड एंड क्लेरियन ही बी अपीयर्ड हिज माइटी स्ट्राइड. फिर क्या हुआ, उसने देन स्ट्रेट कमांड, फिर वो स्ट्रेट कमांड करता है, स्ट्रेटली वो ऑर्डर करता है, या वो जो है अपने होलो प्राइड और ग्लोरी के साथ जो है होलो वर्ड्स ऑफ प्राइड और ग्लोरी के साथ वो कमांड करता है दैट एट वॉर लाइक साउंड ऑफ ट्रम्पेट लाउड. कैसे, अपनी वॉर लाइक ट्रम्पेट लाउड साउंड्स के साथ एंड क्लेरियंस और अपने जो है फ्लैग के साथ भी अपीयर्ड इज माइट फ्रेंड, और अपने माइट फ्रेंड के साथ अपने ट्रम्पेट क्लेरियन और अपने माइटी नीचे ले आए, टिक मार्क करें 533 तक, इस पे लिखे सैटर्न्स प्राइड,
ठीक है, इससे पिछली लाइन में हमने क्या पढ़ा कि वो जो है उसके जो चीले होते हैं वो अब दोबारा से रिफ्रेश हो चुके हैं, ठीक है। आप लिखे रिफ्रेश, रिफ्रेशनेस ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, ऐसे करके ना बेटा कुछ हिंट्स लिखे ताकि आपको पता चले इन लाइन में सिर्फ ये चीज आ रही है। यहाँ पे सैटर्न का होल ऑफ प्राइड जो है वो शो हो रहा है कि वो कैसे अपने माइटी स्टैंडर्ड के साथ, अपने होलो स्टैंडर्ड के साथ खड़ा होता है और अपने प्राइडी, अपने प्राउड वर्ड्स के साथ, बर्ड लाइक साउंड्स के साथ वो अपने फॉलोअर्स से खिताब करता है। आगे देखते हैं, एजल हिज राइट आशीर टॉल। एजल जो है वो कौन है? दैट इज द नेम ऑफ सब इवल स्पिरिट, ठीक है। और ये कौन है? सॉलिटरी वन है, बस यहाँ पे लिखे उसका एक इवल स्पिरिट है जो कि जिसको दैट गॉट द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ लिफ्टिंग द फ्लैग, जिसको प्रिविलेज और ऑनर मिला कि उसने सैटर्न का फ्लैग उठाना था। देखिए सिपा सालार जो होता है वो एक झंडा उठाता है, ठीक है। पुराने वक्तों में, पुराने दौर में जो जंगे होती थी, एक लीडर होता था और उसका एक सिपा सालार होता था जो कि साथ झंडा उठा के खड़ा होता था, और फिर अगर वो जो लीडर है वो गिर जाता था तो उसके बाद कौन फाइट करता था? जिसने झंडा उठाया होता था, और जो झंडा उठाया होता था उसके बाद जो है वो अपना झंडा, मतलब लाइक जो जो लड़ता था वो झंडा दूसरे को देता जाता, ठीक है। इट मीन्स कि अगर लीडर गिर जाता था तो सिपासालार जो है फिर वो झंडे से झंडा किसी और को देने के बाद, यानी कि थर्ड लीडर को देने के बाद वो फाइट करता था। अगर वो भी गिर जाता था तो वो जो नेक्स्ट झंडा जिसने उठाया होता था वो फिर उसका काम आगे कंटिन्यू करता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एजल को एक्चुअली गॉट, एजल गॉट द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ लिफ्टिंग द फ्लैग। एज इज राइट अ शिरफ टॉल, जिसको एक ही वाज अ टॉल शिरफ, यानी कि शिरफ बेटा एंजल, एंजल को कहते हैं, जो कि शिरफ टॉल था। हु फोर्थ विद फ्रॉम ग्लिटरिंग स्टाफ अनफर्ल्ड द इंपीरियल एनसाइन, ही जो कि ही सडनली स्वेप्ट द रॉयल फ्लैग फ्रॉम द शाइनिंग एंड डेजलिंग स्टाफ, ठीक है। उसने जो है ग्लिटरिंग स्टाफ से जो है इंपीरियल एनसाइन, ये जो झंडा है, ये इंपीरियल एनसाइन इस फ्लैग को कहा जा रहा है, ये उसने होल्ड किया हुआ था या कर लिया विद फुल हाई एडवांस, ठीक है। बीइंग फुली रेज्ड शोन लाइक अ मीटर स्ट्रीमिंग टू द पॉइंट, और ये किस तरह से शोन कर रहा था? फुली रेज्ड था और ये जो फ्लैग था ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मीटियोर हो। मीटियर किसे कहते हैं बेटा? वो जो दुमदार सितारा होता है ना, लिख रहे हैं यहाँ पे मीटियोर शूटिंग स्टार को कहते हैं लीडिंग लाइट, शूटिंग स्टार कोमा लीडिंग लाइट, ठीक है। एक शूटिंग स्टार को कहते हैं, दुमदार सितारे को कहते हैं, जो के सॉरी वो जो टूटता हुआ तारा नहीं होता उसको कहते हैं, और दुमदार सितारे को भी कहते हैं एक्चुअली, दैट इज द मीटियोर। तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे चमक रहा था वो जो रॉयल फ्लैग था, किस तरह अब ये सारी रॉयल फ्लैग की पोर्ट्रेयल आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, स्ट्रीमिंग टू द पॉइंट, जैसे वो जो है रॉयल फ्लैग जो है वो इस तरह से था जैसे कोई मीटियर हो, रेडिएंट एंड ग्लोइंग इन द स्काई, मतलब उसकी इतनी ज्यादा शाइन थी। विद जेम्स एंड गोल्डन लस्टर रिच एम्प्लेस, इट वाज हेवनली डेकोरेटेड एंड टिंटेड विद जेम्स एंड डेजलिंग गोल्ड, सेरेफिक आर्म्स एंड ट्रॉफीज, और उसके पास क्या, उसके ऊपर क्या था? सेरेफिक आर्म्स कहते हैं बेटा आर्मोरियल गैजेट्स, ठीक है। उसके पास आर्मोरियल गैजेट्स लगे हुए थे उसके ऊपर, और उसकी ट्रॉफीज थी, यानी कि इंसिग्नियाज ऑफ ट्रियम्फ एंड विन, उसके ऊपर बहुत सारे इंसिग्नियाज थे उस झंडे के ऊपर ऑफ ट्रियम्फ एंड विन। ऑल द वाइल्स सोनोरस सोनोरस मेटल ब्लिंक मार्शल साउंड, और ये जो है ये जो सॉरी पहले हम इसको कर लेते हैं सेरेफिक आर्म्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है। ये ट्रूम्फ और विन जो है दैट इज बिलोंगिंग टू हायर हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ एंजल्स, ठीक है। सेरेफिक आर्म्स एंड ट्रॉफीज जो है ये किससे बिलोंग कर रही थी? टू हायर हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ एंजल्स। और ऑल द वाइल सोनोरस मेटल ब्लोइंग मार्शल साउंड, और ये सारा जो सोनोरस मेटल था ये क्या लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा था? ऑफ ड्रम्स एंड ट्रम्पेट साउंड लाइक वॉर लाइक म्यूजिक एंड द लाइन, ठीक है। मार्शल साउंड वॉर लाइक म्यूजिक जो है उससे प्रोड्यूस हो रहा था। नाउ हियर सेफरिक आर्म्स एंड ट्रॉफीज तक, बेटा ट्रॉफीज जो है वो बेसिकली दीज आर द सिंबल्स ऑफ विक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ स्पॉइल्स टेकन फ्रॉम कॉन्कर्ड फोर। लिख लें बेटा ट्रॉफीज के बारे में, ट्रॉफीज किस चीज को सिंबलाइज करें? ये ट्रॉफीज आर्म्स और इसके बाद ये सोनोरस मेटल, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? लिखे बेटा सिंबल्स ऑफ विक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ द स्पॉइल्स
consisting of the spoils taken from conquered foes. Taken from conquered foes. यानी कि ये जो ट्रॉफीज हैं, ये सेफरिक आर्म्स हैं, ये क्या हैं? ये विक्ट्री सिंबल्स ऑफ विक्ट्री हैं। बेटा वो इतनी माले गनीमत होता है ना, उसको कहा जाता है। और माले गनीमत जो है, जो दुश्मनों का माल होता है, कंकर्ड फोर्स, यानी कि ऐसे दुश्मन जिनके ऊपर आप फाते होते हैं, ठीक है, कंकर्ड फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पॉइल्स टेकन फ्रॉम कंकर्ड फोर्स। ये ट्रॉफीज जो है, ये सिंबल ऑफ विक्ट्री है बेसिकली। जस्ट इसको अगर आप सिंबल ऑफ विक्ट्री भी कह दें, consisting of spoil taken from conquered force, ये एक extra चीज आ जाएगी। और आगे लिखिएगा, these words seem to imply that there were wars in heaven. These words seem to imply that there were wars in heaven before Saturn's rebellion. Although neither in Milton nor in Bible. Although neither in Milton nor in the Bible is there any mention of conflicts. Antecedent to that event. Antecedent. A-N-T-E-C-E-D-E-N-T. Antecedent to that event. Repeat kar deti hu beta. Trophies are symbols of victory consisting of spoils. Maale ghanimat. Spoils. Jo peeche samaan chhodta hai. Taken from conquered force. Foes, dushman. These words seem to imply that there were wars in heaven before Saturn's rebellion. Although neither in Milton nor in Bible is there any mention of conflicts. Antecedent to that event. अच्छा यहाँ पे actually दिखाया जा रहा है epic है ना? एपिक में ये दिखाया जा रहा है। वैसे तो इसका बाइबल से या मिल्टन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। सो इसके अंदर बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि दिखाया जा रहा है कि हेवेंस के अंदर वॉर्स तो थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जी उससे जो है, अब जाहिर बात है, अगर वॉर्स होती थी तो सैटर्न और उसके चीले जो है वो इस तरह से तैयार हुए। और तो इसका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कोई बाइबल के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई वॉर्स भी हुआ करती थी। So, ये सारा यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, all the while sonorous metal blowing martial sounds, और जो है अब loud sounds of drums and trumpets sounded like war-like music at that time, ठीक है। उस वक्त martial sounds जो है वो produce हुई किससे, sonorous metal, ठीक है, drums और trumpet जो है उनसे वो बिल्कुल ऐसे sound हुए जैसे war-like sounds जो produce हुई। अब बेटा ये लाइन नंबर 540 से लेके 549 तक ये सारी आपको ड्रम बीट्स और वॉर लाइक साउंड्स और उनका जो इम्प्रेशन होगा, उनका जो उससे जो मोटिवेशनल लेवल होगा, जो कि इन फॉलोअर्स का रेज होगा, हम वो देखेंगे। एट दिस द यूनिवर्सल होस्ट ऑफ सेंट अ शाउट दैट टोर हैज कम केम, जिससे मतलब इतनी ह्यूज साउंड थी, वो इतनी लाउड साउंड थी कि ह्यूज नंबर ऑफ फॉलन एंजल्स created a loud sound that seemed to tear apart the cellar and vault of hell. कि उन्होंने hell की जो है hell's concave यानी कि hell की छतें जो हैं वो भी हिला के रखी। इतनी shout थी उस sound की, उस martial sound की, उस vault like sound की, जो कि शैतान के चीलों ने, उसके followers ने और उन sounds of drums और trumpets से जो एक huge जो साउंड प्रोड्यूस हुई, एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो जो ह्यूज नंबर फॉलन एंजल्स ने जो क्रिएट की एक लाउड साउंड, उसने ऐसा लगा जैसे उसने जो वॉल्ट ऑफ हेल या सेलर ऑफ हेल जो है उनको हिला के रख दिया हो, ठीक है। हेल कंकेव यानी कि हेल की छतें जो है वो उन्होंने, या हेल की बाउंड्रीज जो है उन्होंने हिला के रख दी।
and beyond the frightened line of cows and all night, and scare the dominance of cows and night the farthest possible. उन्होंने cows और all night की यानी कि उनकी dominance को भी हिला के रखे, यानी कि उनकी चीखों पुकार, उनकी loud sounds वो इतनी ज्यादा थी, उनकी जो मार्शल साउंड थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसने हेल को क्या, उन्होंने तो काउस और ओल्ड नाइट्स को भी हिला के रख दिया. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली देयर इज अ एग्जैजरेशन का एलिमेंट आ रहा है. ठीक है, एग्जैजरेशन लिख ले बेटा, कौन सा इसके अंदर वो यूज हो रहा है, लिटरेरी टर्म एग्जैजरेशन. ठीक है, काउस एंड ओल्ड नाइट ऑल इन अ मोमेंट थ्रू द ग्लूम वर सीन. और उसी टाइम क्या हुआ, अब इन लाइन से आगे हम क्या पढ़ेंगे, द रिवर एंजल्स आर लाइंड अप इन बेटर अरेंजमेंट. अब वो जो है ड्रम बीटिंग होती है स्कूल में, कभी देखिए मार्च हो रहा होता है, ड्रम बीटिंग होती है, स्टूडेंट्स जो है वो लाइन अप होना शुरू हो जाते हैं. अब हमने ड्रम बीटिंग पढ़ ली, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो भी पढ़ ली, उससे जो पूरा स्कूल गूंजता है लाइक हेल गूंजी वो भी हमने पढ़ लिया. उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो लाइन अप होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एक असेंबली स्टार्ट होती है. लेट्स सी कि अब ये वाली असेंबली जो है वो कैसी है, यानी कि जो एंजल्स हैं वो असेंबल होना शुरू हो गए हैं, एंजल्स जो हैं वो लाइन अप होना शुरू हो गए हैं. लेट्स सी कि वो किस तरह से लाइन अप होते हैं. ऑल इन अ मोमेंट थ्रू द ग्लूम वर सीन 10,000 बैनर्स राइज इन टू द एयर. और इन एन इंस्टेंट 10,000 बैनर्स जो है उसी मोमेंट में, जबकि ये सारा ग्लूम जो है वो सीन किया जा रहा था, यानी कि ये सारा जो मिडस्ट ऑफ डार्कनेस में ग्लूम में जो है ये नजर आ रहा, ये मतलब ये सब इकट्ठे हो रहे थे, कौन थे वो, ऑल इन मोमेंट थ्रू ग्लूम वर सीन 10,000 बैनर्स राइज इन टू द एयर. 10,000 बैनर्स जो है दे वर विटनेस टू बी रेज्ड अप इन द एयर इन द मिडस्ट ऑफ द डार्क. ठीक है, इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एक ही लम्हे के ऊपर, एक ही मोमेंट के ऊपर उन ड्रम बीटिंग का इतना ज्यादा असर हुआ कि 10,000 बैनर्स जो है वो रेज अप हुए इन द मिडस्ट ऑफ द डार्कनेस. उस होपलेसनेस में के अंदर से, उस डिफीटफुल, देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्लूम, कौन सी ग्लूम, उस डिफीटेड जो उनकी पोजीशन थी उसके अंदर से क्या 10,000 बैनर्स जो है वो एकदम से रेज हो गए. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है विद ओरियंट कलर वेविंग विद देम रोज. और जो है उससे क्या रोज हो रहा था, ओरिएंट कलर्स यानी कि डिफरेंट कलर्स जो है, यानी कि दे एग्जिबिटेड ब्राइट एंड डेजलिंग कलर्स. विद देम रोज अ फॉरेस्ट ह्यूज ऑफ स्पीयर्स. और उनके साथ जो है स्पार्कलिंग और ब्रिस्लिंग स्पीयर्स जो है वो जो है रोज हुए, वो राइज हुए. एंड थ्रोंगिंग हेल्स अपीयर्ड और लैंसेस रोज इन द एयर. थ्रोंगिंग हेल्स यानी कि जो उनके लैंसेस हैं, उनकी हेल्स जो है वो अपीयर हुई इन द एयर. एंड शेड Serrated shields in thick array. और क्या चीज है, और उनकी जो shields हैं वो thick array यानी के of depth immeasurable. उनकी जो huge number of helmets of angels थे और उनकी जो shields थी वो जो है इतनी ज्यादा huge amount में या इतनी ज्यादा जिसे कहना चाहिए ज्यादा thick array of depth immeasurable यानी कि इतनी ज्यादा थी कि उनको मैयर नहीं किया जा रहा था, यानी कि पूरी बटालियन जो है वो तैयार हो रही थी जंग के लिए और उनके पास इतना साजो सामान था, इतना असलाह था, इतने वेपन्स थे कि वो इतने मोटिवेट हो गए कि वो अपने वेपन्स के साथ रेज अप हो गए. एंड देन दे मूव इन परफेक्ट फैलेंस टू डेरियन मोर. और फिर उसी वक्त जो है क्योंकि वो अरेंज हो गए लाइन में और रो आफ्टर रो इन एंडलेस सीक्वेंस के अंदर वो जो है अब क्या हुआ कि इन परफेक्ट फैलेंस टू डोरियन मोर. अब वो जो है शॉर्टली द रिबल एंजल्स वर इन मोशन इन अरेंजमेंट ऑफ डेंस फॉर्मेशन टू सीरियस म्यूजिक ऑफ फ्लूट. ठीक है, अब वो डोरियन मोर में आ गए, अब वो सीरियस म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स में आ गए. अभी तो हमने ड्रम बीटिंग के बारे में पढ़ा, अब हम डोरियन मोर के बारे में पढ़ते हैं. बेटा डोरियन मोर एपिटाटस यहाँ पे आपके एनकेएम के नीचे भी लिखा हुआ है, क्योंकि डोरियन मोर एक्चुअली दैट इज द एक म्यूजिक जो है जिसकी बहुत ज्यादा डेट इज दैट वाज ग्रेटली वैल्यूड एज कैरेक्टर बिल्डिंग फोर्स. ठीक है, उसको डोरियन मोड कहा जाता है, या मूड लिखो, ये डोरियन मोड है. म्यूजिक के डिफरेंट मोड्स होते हैं, डोरियन मोड भी उनमें से एक है. और वो किस लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा डोरियन मोड लैंग ऑब्जर्व दैट इन स्पार्टा थीबस एंड एथेंस. थीबस और एथेंस के बारे में बेटा ये ग्रीक गॉड्स थे, ग्रीक कैरेक्टर्स है. थीबस सॉरी ये एरिया का नाम है,
एथीबस जो है ये वादी का नाम है, ग्रीक एथेंस भी जो है वो जो है वादी का नाम है. नॉट एवरी sort of music was acceptable for educational purposes. The foremost place was assigned to melodies in Dorian mode. ठीक है, ये क्या था? Melodies थी जो कि Dorian mode में रखी जाती थी, यानी कि Dorian mode जो है उसमें जो melodies रखी जाती थी उसका बहुत ज्यादा greatly valued थी as a character building. ठीक है, यहाँ पे बस आप इतना लिखेंगे Dorian mode are the melodies that were greatly valued as a character building force. ठीक है, इससे character building force जो है in serious music of flutes से ये Dorian mode जो है इसमें music produce किया जाता था, ताकि जो students हैं या जो army है या जो cadets हैं या जो soldiers हैं उनके अंदर character building की जा सके. ठीक है, in perfect phalanx to the Dorian mode. तो वो जो है shortly rebel engines were in motion in an arrangement of dense formation to the serious music of flutes में, serious music of flutes में वो सब arrange हो गए, यानी कि now अब उनके character building की तैयारी हो रही है. इसके यहाँ पे Dorian mode की बात हो रही है, Dorian mode की बात हो रही है. अब देखते हैं कि अब इस Dorian mode जो है उसका क्या असर होता है बाकी जो है जो followers हैं उन पे क्या असर. फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्ड. अब ये Dorian mode क्या है, किस चीज का म्यूजिक है? फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्डर्स का है. सच एज रेज्ड टू हाइट ऑफ नोबलेस्ट टेंपर हीरो, और वो किस लिए यूज हुआ है? स्टर्ड द एंशिएंट हीरोज, ठीक है, टू हाइटन द नोबलेस्ट टेंपर हीरो, किस लिए? ताकि वो मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज कर सके एंशिएंट टेंपर हीरोज में, ग्रीक हीरोज में, जो के आर्मिंग टू बैटल. That are walking to fight the battle and instead of rage, deliberate, valiant, breathed and in spite of bloodshed, instead of rage likha na, aur bajaye iske wo maut se nahi darte. Theek hai, is Dorian mode ka ye kamal tha ki ancient Greeks jo the unke jo heroes the wo baghair is dar ke, spite of bloodshed, unke andar kya tha? Deliberate, valiant, breathed. Unke andar bahut zyada balbala tha, firm and unmoved with death of death to flight or foul safety. फर्म थे इस म्यूजिक की वजह से, वो इतने फर्म और अनमूव्ड हो जाते थे विद डेथ ऑफ डेथ टू फाइट और फॉल रेडी, कि जिए या मरे उनके लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन उनके लिए उनकी विक्ट्री बड़ी मायने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखती थी. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिलिबरेट वैल्यू ऑफ ब्रेथ, यानी कि इन्फ्यूज फर्म एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी. डिलिबरेट वैल्यू Breathed, यानी कि infused firm and staunch bravery, firm and unmoved with dread of death to fight or foul victory, which no fear of death could remove or shake. कि कोई भी मौत का खौफ उनको ना तो remove कर सकता था अपने aim से, ना ही उनको shake कर सकता था. Nor wanting power to meditate and sweat, ना ही कोई उनकी जो power थी वो जो है उसको ना कोई कोई मेडिटेट कर सकता था, यानी कि उनकी पावर को कोई शेक नहीं कर सकता था, मूव नहीं कर सकता था. विद सॉलेम टचेस एंड ट्रबल थॉट्स, ना ही उनके जहन में कोई सॉलेम टचेस आ सकते थे, ना जो है उनकी फीलिंग्स में कोई डिस्पेयर आ सकता था. यानी कि इस म्यूजिक के अंदर इतना पोटेंशियल और इतनी क्वालिटी थी टू रिड्यूस एंड पैसिफाई with dull and slow moving notes all sad feelings, yani ke tamam sad feelings jo hai unki troubled thoughts ki tha na, tamam sad feelings aur jitni bhi unki despair tha, ye music unke despair ko, unki uncertainty ko, unke terror ko, unke pain ko, unke andar ke khauf ko, fear ko, fear of death ko khatam karke rakh deta tha. Jaise like hum kehte hai na ki jab पाकिस्तान में जब ये 1965 की वॉर हुई थी तो, और 1971 की भी हुई थी, तो उस वक्त कहा जाता है कि नूर जहां के गाने सुनते सुनते वो जो हमारे पायलट थे उन्होंने, वो कहते हैं कि हम नूर जहां के अपने गाने लगाए हुए थे वो जो मिली नगमे थे, और उन मिली नगमों को सुनते सुनते उन्होंने वॉर जीती थी. यानी कि ये जो साउंड होता है ना, मतलब जो देखिये वैसे तो म्यूजिक हराम है आपको पता ही होगा, लेकिन ड्यूरिंग बैटल जो है ना, जब जंग छिड़ जाती है तो उस दौरान इसी
इसीलिए आर्मी के अंदर आप देखा करें कि वहाँ ड्रम बीटिंग हो रही होती है, फ्लूट्स चल रही होती है, फ्लूट्स बजाई जाती है, ताकि उनके अंदर का जो खौफ है, उनके अंदर का जो डर है, उनके अंदर वो जो एक डेथ का जो खौफ होता है वो निकाला जा सके, और उनके जोश और बलबले को, उनके स्पिरिट को जो है ना बहुत ज्यादा और मजबूत किया जा सके, उनको एनकरेज किया जा सके, उनके दिमाग से मौत का डर निकाला जा सके. ठीक है, तो इस वजह से वो जो सोल्जर्स होते हैं ना समटाइम्स तो बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं, थोड़े से पत्थर दिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि इस म्यूजिक के अंदर वो ये जो म्यूजिक है उसके अंदर इतना पोटेंशियल और क्वालिटी है कि वो रिड्यूस कर देता है और पैसिफाई करता है डल एंड स्लो मूविंग नोट्स. इन्हीं डल और स्लो मूविंग नोट्स से क्या पैसिफाई कर देता है, क्या रिड्यूस करता है, किस चीज को? ड्रेड ऑफ डेथ को, यानी कि फियर ऑफ डेथ को, टू फाइट और फाउल रिट्रीट. ठीक है, कि वो रिजल्टिंग इन फाइट और बी ग्रेसफुल, वो जो उनको एक डेथ का फियर होता है वो रिमूव कर देता है, और शेक रिजल्टिंग इन फाइट और डिस्ट्रेस डिफीट. ठीक है, कि वो फियर के जो उनको एक डर होता है, खौफ होता है कि उनको फाइट के अंदर जो है शायद डिफीट हो जाएगी, डिस्ग्रेसफुल डिफीट, उसको वो दूर करता है. Not wanting power to meditate and sweat. और ये music जो है, such music has also the potential and quality to reduce and pacify. क्या क्या चीजें? Wanting, not wanting power. With dull and slow moving notes. क्या क्या वो करता? With solemn touches in dull or moving notes के साथ क्या क्या करता? Troubles, sad feelings को remove कर देता है. And chase anguish or drive out despair. Chase anguish यानी कि drive out despair. And doubt or uncertainty, doubt uncertainty को कहते हैं, and fear terror को कहते हैं, and sorrow and edge from mind, sorrow and pain. ठीक है, sorrow and pain एक ही चीज होती है, दुख और गम को दूर करता है. From mortal or immortal minds, किस किस के thoughts of men and angels, यानी कि ये वो music है जो अपने slow notes के साथ men और angels के दिमाग से despair को, अनसर्टेनिटी को, सैड फीलिंग्स को निकाल बाहर करता है, उनके दिमाग से जो हारने का खौफ होता है वो निकाल के बाहर कर देता है. दस दे ब्रीथिंग यूनाइटेड फोर्स विद फिक्स्ड थॉट. इस तरह से दस फॉलन एंजल्स, दे कौन है? फॉलन एंजल्स. ठीक है, इस तरह से वो जो फॉलन एंजल्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं? ब्रीथिंग यूनाइटेड फोर्स विद फिक्स्ड थॉट, ये जो है ब्रीद करते हैं, यानी कि स्टर करते हैं, एंड मूव विद स्टॉन्च ब्रेवरी. फिक्स्ड थॉट यानी कि स्टॉन्च ब्रेवरी के साथ वो मूव करते हैं, यानी कि उनके अंदर से अनसर्टेनिटी जब खत्म हो जाती है तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ मोटिवेशन वो मूव करते हैं. ठीक है, मूव ऑन साइलेंस टू सॉफ्ट क्वाइट, एंड दे मूव ऑन इन काम टू द म्यूजिक ऑफ स्वीट साउंडिंग पाइप. इन सॉफ्ट साउंडिंग पाइप के साथ वो मूव करते हैं, लाइक मार्च करते हैं. जब हम ड्रम बीटिंग करते हैं, जल्दी बच्चे मार्च करते हैं ना, अपने जहन में रखें कि स्कूल की एक असेंबली है और ड्रम बीटिंग हो रही है और स्कूल का एक म्यूजिक चल रहा है और बच्चे मार्च कर रहे हैं, तो आपको फिर ये चीज समझ आ जाएगी. दैट चार्म देयर पेनफुल स्टेम्स ओवर द बर्न सॉइल, और वो जो है उस बर्न सॉइल के अंदर, वो जो जहन्नुम की फायरी और ब्लेजिंग सॉइल है, वो जो है रिलीव कर रहे हैं उस पेन को ऑफ देयर हाजिर हो गए किसके सामने? सेटन के सामने, इन गाइज ऑफ वॉरियर कोल, और वो
किस 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 गाइस में है, लाइक एंशिएंट फाइटर्स एक्चुअली, ठीक है, ऑफ वॉरियर्स गोल्ड, यानी कि एंशिएंट फाइटर्स की तरह वो जो है अपने ग्रेसलिंग आर्म्स और ड्रेडफुल लेंथ में, यानी कि अपनी लॉन्ग एक्सटेंडेड लॉन्ग वे, वो किसके सामने हाजिर है, शैतान के सामने, विद ऑर्डर्ड स्पीयर एंड शील्ड, और वो ऑर्डर्ड स्पीयर एंड शील्ड यानी कि वो अपने आर्म्स के साथ स्पीयर्स के साथ अपराइट एंड शील्ड वर वेरी जॉइंट अवेटिंग बट कमांड देयर माइटी चीफ, और वो वेटिंग वेटिंग है अवेटिंग है फॉर द कमांड ऑफ देयर ग्रेट लीडर, कि उनका चीफ अब उनको क्या कमांड देता है, had to impose, वो उनको क्या impose करता है, ठीक है? He threw the arm fire darts his experience eye, और Saturn जो है अपनी experience eye, यानी कि Saturn observed very closely equipped threats, अपनी experience के साथ वो बहुत ज्यादा जो है observe करता है, he the keen observer of the closely equipped ranks, ठीक है? He threw the arm field darts his experience eye and soon traversed the whole material field. And as he was very well experienced and practiced in these kinds of matter, and instantly he took a look of whole army. Puri army ko whole battalion ka wo ek view leta hai. Their order view. Aur wo unke order ko wo dekhta hai, realize karta hai, fully realize karta hai, ya realize their correct proper arrangement. Their visages and stature as of God, और उनकी appearances जो हैं वो ऐसी थी जैसे guys like those of God, यानी कि वो इस तरह से खड़े थे जैसे वो gods की तरह खड़े हुए हों। आगे जो है बेटा यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, music के बारे में, ठीक है, वो जो music जो battle का music था, लिख लें बेटा ये points ना लिख लें इन lines के आगे, अदरवाइज आपका सारा वो जो plot construction है ना वो mix up। एक तो पहली बार भी हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद अब हमने देखा कि सैटर्न जो है वो एज अ लीडर किस तरह से लाइन अप कर रहा है, किस तरह से वो व्यू कर रहा है अपने फॉलोअर्स, ठीक हो गया। आगे है देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ एंजल्स, अभी लाइन नंबर 570 तक हमारा कंप्लीट हो गया, लाइन नंबर 571 पे देखिएगा, यहाँ पे जो है सिमिली यूज करेगा मिल्टन जो है होमरिक सिमिली, और वो कहेगा कि ये जो मल्टीट्यूड ऑफ एंजल्स है ना जो फॉलोअर्स थे सैटर्न के रिवल एंजल्स थे वो जो है इतने ज्यादा है नंबर में देन द गाइगेंटिक और हीरो गाइगेंटिक और हीरोज ऑफ एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स के भी हीरो से ज्यादा गाइगेंटिक नंबर है, इतने ज्यादा ह्यूज नंबर है। अगेन वो सिमिलीज यूज करेगा और अब हम देखेंगे कि वो किस तरह के मतलब उनका हाई मल्टीट्यूड जो है वो उसको किसके साथ कंपेयर करता है, बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है तभी इतनी ज्यादा लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे है वो कहता है एंड देयर, अब तो पीछे तो हमने ये देख लिया कि उनकी वो दे वर जस्ट लाइक गॉड, दो द गॉड यानी कि उनकी गॉड लाइक स्ट्रक्चर थे या स्टेटस है। अब देयर नंबर लास्ट ही सम्स एंड नाउ हिज हार्ट स्टैंड हिज प्राइड, अब वो कहता है कि अब फाइनली ही मेड द काउंटिंग ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ हिज सोल्जर्स, और अब जो है now his heart is filled with pride and his heart puffed up with honor and pride, अब जो है उसका जो heart है वो puff up हो गया honor और pride के साथ, and hardening in